हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कुमार बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों कराऊंगा। दोस्तों आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 10 है, दोस्तों यहाँ पर गणित का भाग नंबर 10। इसके पहले दोस्तों हम 9 पार्टों को महत्वपूर्ण यहाँ पर करा चुके हैं, जिनमें आपके दोस्तों गत वर्षों के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर लिया है। तो आप इनको तैयार कर लेंगे दोस्तों, इनके माध्यम से आपको महत्वपूर्ण ट्रिकें और महत्वपूर्ण यहाँ पर मैथमेटिक्स के फॉर्मूले मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा हमारे वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ पर रोज ही मिलती है आर्मी के आधार पर नई नई जानकारियाँ और एग्जाम के आधार पर नई नई अपडेट। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, यहाँ पर देखिए और वीडियो को दोस्तों आप इत्मीनान से आखिर तक देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है दोस्तों। यदि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो तो दोस्तों आपको बताना है थीटा इक्वल टू क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति के कुछ आपके बेसिक फॉर्मूले होते हैं जिनको आपको दोस्तों तैयार करना है। देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू आपका होता है दोस्तों टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू आपको दिया है 1। तो दोस्तों यहां से आप निकाल लेंगे थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1, क्योंकि दोस्तों आप यहां पर टेन को इधर डालेंगे तो ये आपका दोस्तों इनवर्स में आएगा। अब आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि आपका टेन 1 काहे में होता है, दोस्तों टेन का मान 1 काहे में होता है, ये दोस्तों आपका यहां पर टेन 45 में होता है। तो दोस्तों यहां पर आपका क्या गया थीटा की जगह पे, थीटा की जगह पे दोस्तों आपका यहां पर 45 आ गया, तो यहां पर आपका थीटा इक्वल टू दोस्तों 45 डिग्री आपका निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए दोस्तों, एक गोलार्ध है, गोलार्ध का मतलब दोस्तों गोले का आधा, मतलब एक हेमिस्फीयर दोस्तों, एक गोलार्ध का घुमावदार सतह क्षेत्र है। दोस्तों देखिए केवल आपको दोस्तों घुमावदार बताना है, तो आपको यहां पर ध्यान देना दोस्तों, एक गोले को आपने देखा होगा अर्धगोले को, यह आपका तीन त्रिविमीय होता है दोस्तों, इस तरह का होता है। अब देखिए केवल आपको दोस्तों घुमावदार बताना है, घुमावदार मतलब दोस्तों केवल आपको ये बाहर का बताना है, क्योंकि आपको ये नहीं बताना, अगर पूरा कहा गया होगा दोस्तों अर्धगोले का तो आपका यहां पर ऊपर का भी आप ऐड करेंगे। तो यहां पर दोस्तों आपका नीचे का जो आपका होता है वो आपका दोस्तों पूरा दोस्तों आपका 4πr² होता है, लेकिन इसका बाहर का कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका बट्टे दो करेंगे तो आपका यहां पर 2πr² हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी वाला सही हो जाएगा। और यदि दोस्तों आपका पूरा आएगा, यदि दोस्तों आपका पूरा अर्धगोले का क्षेत्रफल आएगा तो वो दोस्तों आपका होता है 3πr², आप ध्यान देंगे, यदि आपका अर्धगोले का आएगा पूरा तो वो आपका 3πr² होता है, क्योंकि दोस्तों आपका ऊपर का भी एक यहां पर क्या है πr² है, ये आपका एक वृत्त है। तो दो एक ये हो गया दोस्तों और दो यहां पर ये हो गए, तो इनको सभी को मिला के दोस्तों आपका पूरा बाहर का बन गया, पूरा यहां पर अर्धगोले का बन गया। लेकिन दोस्तों यदि आपका केवल घुमावदार का आएगा, नीचे का आएगा, तो वो दोस्तों आपका यहां पर 2πr² केवल होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, किसी राशि पर दोस्तों प्रतिवर्ष 8% ब्याज दर 6 साल के बाद दोस्तों उस राशि का आधा है, तो दोस्तों वो राशि क्या होगी। अब दोस्तों यहां पर देखिए आपको क्वेश्चन देखता है दोस्तों, यहां पर आपको दर दी है, आपको दोस्तों यहां पर टाइम दिया, समय दिया दोस्तों, लेकिन दोस्तों आप यहां पर देखेंगे जानकारी आपकी दोस्तों अपर्याप्त है, क्योंकि दोस्तों आपका यहां पर SI का फॉर्मूला होता है आपका PRT/100, लेकिन यहां पर आपको दोस्तों तीन राशियां यहां पर दी होनी चाहिए, तो यहां पर दोस्तों आपको केवल यहां पर दो दिए हैं, तो इससे आप कहेंगे दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर डी में आपका दिखता है अपर्याप्त जानकारी, अर्थात दोस्तों आपको जानकारी उतनी पूर्ण अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह आप यहां पर निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों इसके आधार पर एक क्वेश्चन आपका अवश्य ही आता है दोस्तों, इसके लिए आपको यहां पर SI का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और एक आपका दोस्तों यहां पर आपको मिश्रधन का पता होना चाहिए, मिश्रधन बराबर आपका होता है दोस्तों मूलधन प्लस SI, तो इन्हीं के आधार पर दोस्तों आपके क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27 का HCF आपको दोस्तों बताना है क्या होगा। दोस्तों HCF का मतलब होता है आपका मौसम, तो मौसम आपको निकालना है दोस्तों, भिन्नों का मौसम आपको निकालना होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है हम आपको बता चुके हैं पहले दोस्तों, भिन्नों का मौसम HCF बराबर होता है दोस्तों आपका अंशों का दोस्तों आप क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे दोस्तों, और आप दोस्तों हरों का क्या निकालेंगे, LCM। तो ये आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, ये ट्रिक आप ये फॉर्मूला आप याद रख लेंगे। और वैसे दोस्तों यदि आपको LCM निकालने को आए तो आप क्या करेंगे, अंशों का दोस्तों क्या निकालेंगे, अंशों का आप LCM निकालेंगे और हरों का दोस्तों HCF यहां पर निकालेंगे हरों का। तो ये दोनों फॉर्मूले आप दोस्तों यहां पर याद रख लेंगे, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो यहां पर आप क्या करेंगे दोस्तों, 2, 8, 64 और दोस्तों 10 का क्या निकालेंगे, HCF निकाल लेंगे, और बट्टे दोस्तों आप 3, 9, 81 और दोस्तों 27 का क्या निकालेंगे, LCM निकाल लेंगे।
तो यही दोस्तों आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए दोस्तों आप यहाँ पर 2, 8, 64 और 10 का निकालेंगे दोस्तों, एस सी एफ आपका क्या होगा, ये आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका 2 प्रत्येक में यहाँ पर कॉमन है, 2 आपका सभी में कॉमन दिखता है तो आपका 2 हो जाएगा। और बट्टे दोस्तों एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए इन सभी का जिसमें भाग चला जाए दोस्तों वो छोटा नंबर क्या होगा इनमें, वो आपका दोस्तों 81 होगा, क्योंकि 81 में दोस्तों आपका सभी का भाग पूरी बार जाएगा और छोटा नंबर भी आपका होगा। तो 2/81 दोस्तों आपका यहाँ पर एलसीएफ आ गया इन सभी भिन्नों का, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 3 तथा 75 के लिए मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब भी आपको मध्य समानुपात निकालना होगा आप क्या करेंगे, आपको दोस्तों एक नंबर आपको 3 दिया है, एक आपको दोस्तों 75 दिया है, तो आपका दोस्तों मध्य समानुपात आपका होगा अंडर रूट ए बी। हमेशा दोस्तों आपके जो भी यहाँ पर दो नंबर होंगे उनका वर्गमूल करके आप दोस्तों गुणा करके वर्गमूल निकाल लेंगे, तो ये आपका दोस्तों अंडर रूट 3 × 75 आप करेंगे तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर आएगा अंडर रूट के अंदर 225 आएगा दोस्तों, और ये आपका यहाँ पर होता है 15, क्योंकि ये आपका दोस्तों 15 का वर्ग होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी वाला सही हो गया, 15 आपका दोस्तों मध्य समानुपात निकल के आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 9 तथा 6 के बीच का दोस्तों तीसरा समानुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका आता है तीसरा समानुपात ज्ञात करने वाला, तो इसमें भी आपको क्या करना है देखिए दोस्तों बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, 9 करेंगे आप अनुपात 6 करेंगे, समानुपात दोस्तों आप यहां पर मान लेंगे कोई भी आपका 2 × 6 करेंगे और यहां पर आपका मान लेंगे कोई आपका दोस्तों x। देखिए दोस्तों आपको यहां पर रिपीट करना है नंबर को, आपको 2 नंबर दिए थे, आपने 9, 6 किया पहले, उसके बाद दोस्तों आपने इसको दोबारा रिपीट किया और यहां पर आपने x कर दिया, तो हमेशा आपको इतना ही करना है तीसरा अनुपात निकालने के लिए, तो यहां पर आपको x का मान दोस्तों निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, अब इजीली आप क्या करेंगे इनको 9/6 = 6/x करेंगे, तो x बराबर आपका दोस्तों 36/9 आएगा, अर्थात दोस्तों आपका 4 निकल के आ जाएगा, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला दोस्तों 4 सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नल और टंकी वाला क्वेश्चन है, यदि दोस्तों नल ए टंकी को 2 घंटे में भरता है तथा दोस्तों बी उसे 4 घंटे में खाली कर देता है, तो दोस्तों एक साथ दोनों खोलने पर टंकी कितने घंटे में भरेगी। यहां पर देखिए दोस्तों एक नल आपका यहां पर भरने वाला है, अर्थात दोस्तों ए आपका पॉजिटिव है और बी दोस्तों आपका नेगेटिव है, तो ये बात आपको यहां पर ध्यान देनी है दोस्तों, हमेशा ध्यान देनी है। तो यहां पर जब दोस्तों एक भरता है खाली करता है तो इसके लिए फॉर्मूला आपका होता है दोस्तों AB/A-B, या फिर आप लिख सकते हैं दोस्तों AB/B-A, जो भी आपका बड़ा नंबर होगा दोस्तों वो आप आगे पीछे कर लेंगे। तो यहां पर दोस्तों आप देखते हैं यहां पर देखिए 2 × 4/4-2, अर्थात दोस्तों ये 8/2 आ गया, ये आपका दोस्तों 4 घंटे आपका निकल के आ गया। तो यहां पर दोस्तों यदि दोनों को हम खोल दें, जो टंकी आपकी दोस्तों 2 घंटे में भर रही थी अब वो दोस्तों 4 घंटे में भरेगी, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए वाला सही हो जाएगा। और यदि दोस्तों दोनों यहां पर भरने वाले होंगे तो उस वक्त क्या होगा आपका ये प्लस हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, आपका समय और दूरी वाला है, एक ट्रेन किसी खड़े व्यक्ति को दोस्तों 10 सेकंड में पार करती है, यदि दोस्तों उसकी चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों बहुत आयत पूछा जाता है और कुछ भी आपको नहीं करना होता है। देखिए खड़े व्यक्ति को मतलब दोस्तों खड़े व्यक्ति को कहें या फिर आप खंबे को कहें दोस्तों या फिर आप कोई पेड़ को कहें, तो 10 सेकंड में पार करती है, तो ये किसको पार करेगी दोस्तों, कोई भी खड़ा व्यक्ति है इसको पार करने में जो भी समय लगेगा दोस्तों ये दूरी क्या होगी आपकी, दूरी यहां पर दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई होगी। मान लीजिए दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर आपकी क्या है, यहाँ पर आपकी x है, x मीटर में आपने मान ली, तो x मीटर को पार करने में दोस्तों 10 सेकंड का समय आपको लग रहा है, ट्रेन को लग रहा है, तो इतना आपको दिया है दोस्तों। अब देखिए यदि उसकी चाल आपको दी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, दोस्तों ये आपकी दूरी यहाँ पर देखिए मीटर में है और यहाँ पर आपका समय सेकंड में, तो यहाँ पर आपको दोस्तों चाल को काहे में करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में, तो आपका 108 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर दोस्तों आपका होगा 108 × 5/18 करते हैं दोस्तों आप, तो ये आपका यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड, तो चाल आपकी निकल गई 30 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों अब आप क्या करेंगे, चाल बराबर आपका होता है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है आपका, फॉर्मूले में आप रखेंगे तो दूरी आपकी क्या हो गई दोस्तों, यहाँ पर एक्स हो गई बट्टे समय आपका 10 सेकंड का लग रहा है, तो यहां से आप दोस्तों निकाल लेंगे लंबाई को, x बराबर आपका दोस्तों 30 × 10 आपका हो गया, अर्थात दोस्तों 300 आपका मीटर निकल के आ गई।
तो दोस्तों केवल आपको यहाँ पर देखिए ट्रेन की लंबाई पूछी गई थी 300 मीटर, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप इनको इजीली यहाँ पर निकाल लेते हैं, और भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे दोस्तों तो आप उनको यहाँ पर निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये थे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे दोस्तों, और भी इस तरह क्वेश्चन को हम लगातार आपको बताए जाएंगे दोस्तों। हमारे साथ ही बने रहेगा, वो मिलते हैं आपको अगले वीडियोज में दोस्तों नए क्वेश्चन के साथ। ओके, जय हिंद जय भारत।